Hello and welcome to another episode of Learning English with me, and this is another series of learning basic English sentences in advanced English. So let's check out without wasting time, what are the seven new sentences that we are going to learn in advanced stylish English today. One more thing, very important. नई सीरीज चल रही है जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ये बेसिक सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप रट भी लेंगे ना तो भी आपका बहुत हद तक भला हो जाएगा. हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए मैं सुबह इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता हूं, मुझे वहां पर फॉलो कीजिए. और ज्यादा से ज्यादा जिसे जरूरत है इस सीरीज की उसे शेयर भी कीजिए. आज का पहला सेंटेंस लेते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, राइट? बहुत बेसिक सेंटेंस है, हम रोज यूज करते हैं. अब जो रोज यूज करते हैं वो थोड़ा सा अगर ऊब गए हैं हाउ आर यू बोल करके, तो आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू या फिर हाउ हैव यू बीन. ठीक है, आज के बाद यही यूज करके देखिएगा. इसी तरह थैंक यू की जगह आप कह सकते हैं आई एम डिलाइटेड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम चीयरफुल या फिर सिंपली चीयर्स भी कह सकते हैं. जब थैंक्स कोई बोलता है तो हम कह सकते हैं थैंक्स की जगह चीयर्स, थोड़ा अलग हटकर लगेगा, यूज करके देखिएगा. आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं अस्पष्ट हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आई एम बिम्यूज्ड, BEMUSED, नया वर्ड है, इसका मतलब भी कंफ्यूज्ड होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अस्पष्ट. आई एम बिम्यूज्ड. आई एम वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब एफ्रेड और एफ्रेड मतलब घबराया हुआ, डरा हुआ. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एडवांस्ड इंग्लिश में आई एम पेट्रीफाइड, PETRIFIED. तो आज के बाद अगर कभी आपको डर लगे तो आप ये मत कहिएगा कि मैं स्केयर्ड हूं, आई एम स्केयर्ड, आप कहिएगा आई एम पेट्रीफाइड. अगर आप अपना कोई राज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहते हैं? प्लीज कीप इट अ सीक्रेट, राइट? लेकिन इसे थोड़ी सी डिफरेंट इंग्लिश में, थोड़ी सी एडवांस्ड इंग्लिश में हम कहते हैं प्लीज कीप इट अंडर रैप्स. अब फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के साथ किसी जरूरी काम से जाना था लेकिन गलती से आपको नींद आ गई अचानक, तो आप उनसे कहेंगे माफ कीजिएगा मुझे नींद आ गई. इंग्लिश में कहेंगे सॉरी आई फेल अस्लीप, राइट? लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में यही कहने का एक दूसरा तरीका बताते हैं, सॉरी आई नॉडेड ऑफ या फिर सॉरी I dozed off. अब इसी के जवाब में, ठीक है, अगला बंदा आपसे क्या कह सकता है? कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, इंग्लिश में वो बोलेगा that's okay, that's not a problem. ठीक है, तो एडवांस्ड इंग्लिश में यही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर that's not a problem, इसको हम एडवांस्ड इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम कहेंगे no worries, no biggie, that's not a biggie. So these are the seven sentences that we have learned to speak in a better advanced Stylish English, right? Like, share, comment and subscribe if you're liking the video. Share it among your friends. बहुतों को जरूरत होगी इस तरह की बेहतर English सीखने की. सबको मन होता है कुछ ना कुछ advance करने का जिंदगी में, right? Like, share, comment and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.